अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और व्लॉग। तो ये हम शाम के टाइम जो है छत पे थे और छत पे जो है बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। आपको पता है इतनी गर्मी होती है तो शाम के टाइम थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है तो हम लोग छत पे जो है बच्चों को लेके चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए। ये मेरी बेटी यहाँ पे अपनी राइम सुना रही थी और इसके बाद जो है मैंने एक बच्चों के लिए जो है एक रेसिपी बनाई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी टाइम से बच्चे जो है मुझे बोल रहे थे कि मामा चिकन जो है चिकन ब्रेड बना कर दें। तो जैसा कि आपको पता है कि होममेड जो है इज़ अ बेस्ट, तो इसलिए जो है मैंने घर में ही इनको चिकन ब्रेड बना कर दी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। यहाँ मैंने हाफ कप नीम गर्म पानी में दो चम्मच जो है वो ईस्ट के डाले और एक टेबलस्पून जो है शुगर का मैंने ऐड किया इसमें, और इसको मिक्स करके और ऊपर से कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए जो है वो मैंने इसको कवर करके रख दिया। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद जो है इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी साइड पे जो है मैंने इसकी डो तैयार कर ली थी। हाफ बाउल जो है मैदा लेंगे, उसमें एक चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और एक चम्मच ही जो है मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 2 टेबलस्पून जो है मैंने ऑयल ऐड किया है इसमें। अब इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छे से और साथ में जो है जो ईस्ट मैंने रेडी की थी वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करते जाएंगे। जब ईस्ट ऐड कर लें तो फिर बाद में थोड़ा मैंने इसमें दूध भी ऐड किया था, इसमें नीम गरम दूध जो है वो भी ऐड किया था और अच्छे से जो है वो डो को रेडी कर लिया था। डो मेरी रेडी हो चुकी थी यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने अब बाउल में जो है ऑयल लगा कर अपनी डो को जो है इसको राइस होने के लिए जो है इसमें मैं कवर करके रख दूंगी। और राइस करने के लिए इसको ऊपर से ऑयल लगा देंगे ताकि ये बाउल के साथ चिपके नहीं। अब इसको ऊपर से जो है कवर कर दूंगी मैं। इसको रैप करने के बाद जो है आधे घंटे के लिए जो है हमने छोड़ा था इसको राइस होने के लिए ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। यहाँ हम इसको जो है राइस होने के लिए थोड़ी देर के लिए रखेंगे। अब दूसरी साइड पे जो है मैं एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ हम जो है चिकन का जो मिक्सचर है वो रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे जो है मैंने 5 स्पून के करीब जो है मैंने ऑयल डाला था यहाँ पर, और उसमें जो है अब ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैंने ऐड कर दी थी, लहसुन अदरक और जो है सब्ज़ मिर्चें वो मैंने ऐड की थी। अब इनको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे, इनको फ्राई करने के बाद इसमें प्याज डालेंगे, चॉप किया हुआ जो प्याज है वो ऐड करेंगे इसमें। अब इसको भी जो है इसकी अच्छे से जो है इसको फ्राई कर लेंगे। जब प्याज का जो है थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाएगा तो इसमें जो है हम अपना श्रेड किया हुआ चिकन जो है ये मैंने बॉईल करके साल्ट और ब्लैक पेपर इसमें डाल के बॉईल किया था चिकन को, और इसको जो है श्रेड करके इसमें जो है अब ऐड कर देंगे। अब चिकन को जो है अच्छे से इसमें ऐड करते हैं। अब इसमें जो है एक चम्मच जो है वो नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और 1 चम्मच ही सुरख मिर्च डालेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच जो है वो चिली सॉस है। इन सबको अब जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मिक्सचर का कलर जो है काफ़ी अच्छा बन चुका है। यहाँ पे जो है 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ऐड की थी यहाँ पर। अब इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पे जिसमें मैंने चिकन बॉईल किया था वो यखनी जो है उसका 1 ग्लास मैंने जो है इसमें ऐड किया था
चिकन का जो चिकन की जो यखनी थी वो इसमें ऐड करेंगे। चिकन का पानी देखिए अभी इसमें थोड़ा सा था, तो मैंने इसमें जो है दो टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें मैदा ऐड किया था, उससे ये जो है सारा मिक्सचर जो है ये गाढ़ा हो जाएगा। और बाद में मैंने जो है इसमें दूध भी ऐड किया था। दूध ऐड करने के बाद जो है इसको अच्छे से हम जो है मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएगा। दूध ऐड करने के बाद जब तक ये खुश्क नहीं हो जाएगा इसको हम पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये ड्राई हो चुका था और इसमें थोड़ा सा ऑरिगैनो भी डालेंगे टेस्ट के लिए, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर देखिए ये जो डो रेडी की थी कितनी अच्छे से राइस हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये जो है राइस हो चुकी है। इसमें सारा इसकी राइस होने में सारा कमाल जो है वो ईस्ट का ही होता है। जब वो ईस्ट का जो मिकदार है वो अच्छे से हम ऐड करेंगे तो जो है ईस्ट जो है ना ये डो जो है हमारी बहुत अच्छे से रेडी होगी। तो अब डो को इसमें से निकाल के बोल में हम इसके यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको गूंद लेंगे ताकि इसमें कोई एयर ना रहे, जिसकी वजह से जब हम वो उसको बेक करेंगे तो उसमें बबल्स ना बने। तो इसकी थोड़ी सी इसको जो है यहाँ पे एयर निकाल देंगे हम। ये देखें यहाँ पे कितनी अच्छी सी ये रेडी हो गई है। अब इसके पीसेस कर लेंगे, चार पीसेस ये कर लेंगे इसके। यहाँ पे मैंने इसके पीसेस कर लिए थे डो के। अब उसमें से एक जो है वो मैंने उठा लिया है और इसका जो है हम इसको बेल लेंगे, चिकन ब्रेड के लिए जो है यूज़ करेंगे इसको। अब हम इसकी जो है बिल्कुल शेप बना लेंगे बिल्कुल सीधी सी। अगर जहाँ पे आपको चाहिए कि थोड़ा सा आपको चाहिए नीचे जो है मैदा स्प्रेड करते जाएं, आप फोक की मदद से जो है मैंने इसमें ये कर लिए थे ताकि बबल्स ना बने। अब इसमें हम जो है चिकन का मिक्सचर जो मैंने बनाया था वो ऐड करेंगे। यहाँ पे चिकन का मिक्सचर ऐड करेंगे बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि साइड पे जो है हमें वो उसको शेप देने के लिए फिश शेप जो हम जो देंगे उसके उसके कट्स लगाने होते हैं, तो इसको बिल्कुल सेंटर में हम ऐड कर लेंगे चिकन के मिक्सचर को। और याद रखिएगा कि जो गरम मिक्सचर को पहले ठंडा करना होगा, ठंडा करने के बाद जो है हम इसको ऐड करेंगे। अगर आप गरम गरम करेंगे तो उससे आपका जो है ये चिकन ब्रेड जो है बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेगी। चिकन का जो मिक्सचर था हमें उसको पहले ठंडा करना है अच्छे से, फिर इसको ऐड करना है। यहाँ पे देखे मैंने दोनों साइड्स पर जो है कट लगा लिए थे कटर की मदद से। और अब हम एक एक पीस को उठा के ऊपर से इनको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए एक एक साइड उधर करेंगे और एक साइड इधर, और ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, इसको कवर करते जाएंगे। अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। देखिए बिल्कुल हमें इसको जो है फ़िश की शेप दे देनी होती है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसके अब इसको बेक करने के लिए जो हमें बेकिंग ट्रे है उसमें आयल लगा लेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। यहाँ पे जो है एक अंडे की जर्दी लेंगे, उसको अच्छे से फैन के जो है इसके ऊपर चिकन ब्रेड जो है इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से, पूरा जो है इसे ब्रश की मदद से सब पूरे पे लगा देंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए मैंने सफ़ेद तिल जो थे वो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रेड कर दिए थे, इससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा कलर आता है। और मैंने ओवन जो है वो 10 मिनट के लिए पहले से ही प्री हीट पर लगा दिया था और 180 डिग्री पे। अब इसको जो है हम बेक करने के लिए रखेंगे और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप भी जो है वो ज़रूर ट्राई करिएगा।
और मुझे मेरे से शेयर भी करिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है और मेरा व्लॉग जो है वो कैसा लगा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।